पुरानी दीवारें पार नहीं की जाती, गिरा दी जाती। आखिर कहां है हीरा मंडी, कैसे पड़ा इसका नाम, क्या है पाकिस्तान का कनेक्शन, जानते हैं कुछ अनसुनी कहानियां हीरा मंडी के बारे में। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं वैशाली आपके साथ। टीवी मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं संजय लीला भंसाली की अपकमिंग वेब सीरीज हीरा मंडी के बारे में। जानेंगे कुछ ऐसे राज, कुछ ऐसे किस्से जो कभी ना आपने सुने थे ना मैंने। संजय लीला भंसाली अपनी बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, नायाब सेट्स के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो पद्मावत हो, चाहे वो बाजीराव मस्तानी। और कुछ एक ऐसा ही ड्रीम प्रोजेक्ट लेकर संजय लीला भंसाली एक बार फिर आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं क्या है वो बातें जो हीरा मंडी को बनाती हैं बेहद खास। कैसे पड़ा हीरा मंडी नाम? पाकिस्तान के लाहौर में मौजूद एक जगह जिसका नाम हीरा मंडी है। इस जगह का नाम हीरा सिंह के बेटे ध्यान सिंह के नाम पर रखा गया था। शुरुआती दौर में इसे हीरा दी मंडी कहा जाता था और मुगल काल में इस जगह को तवायफों के मोहल्ले के नाम से भी जाना जाता था। अब चाहे इश्क का तड़का हो या मोहब्बत का मसाला, या बात हो शान और शौकत की, भंसाली साहब अपने इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और हीरा मंडी में ना सिर्फ आपको नाच गाना देखने के लिए मिलेगा, साथ ही मिलेगी मोहब्बत की मिसाल। तो आइए जानते हैं आखिरकार असल जिंदगी में वो क्या कहानी थी जिसे इस वेब सीरीज में दर्शाया गया है। यह बात है सन 1799 की, जब रंजीत सिंह को एक तवायफ से मोहब्बत हो गई थी। और फिर क्या था, रंजीत सिंह 22 वर्षीय मिसलदार ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और 1801 में वह खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर बैठा। उन्होंने तवायफों की संस्कृति और उनके दरबारी डांस सहित मुगल शाही रीति रिवाजों को फिर से शुरू किया और एक बार फिर शाही मोहल्ले की तवायफों को शाही दरबार में मौका दिया गया। कहा जाता है उस समय रणजीत सिंह और उस तवायफ की मोहब्बत परवान चढ़ा करती थी, सब जगह उनकी मोहब्बत के किस्से हुआ करते थे। आइए जानते हैं कैसे शाही मोहल्ला वेश्यावृत्ति का ठिकाना बनने लगा। दिन के उजाले में हीरा मंडी को पहचान पाना बहुत मुश्किल था। बताया जाता है कि उस समय दिन के उजाले में वहां सामान्य बाजार लगा करता था, संगीत के उपकरण मिला करते थे, लेकिन शाम के समय वह वेश्यावृत्ति का रूप ले लिया करता था। मैं तो हीरा मंडी का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ, जो कि आ रही है 1 मई को नेटफ्लिक्स पर। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और भी ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।